आज इस वीडियो में देखेंगे जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत कैसे रखा जाता है, क्यों और किस वजह से रखा जाता है। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना कुछ देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जीतिया व्रत रखा जाता है। मान्यता है यह व्रत माँ अपनी संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए रखती है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीतिया व्रत पर मान्यता अनुसार गंधर्व राजा जीवोत्वाहन की पूजा की जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में अधिकतर यह व्रत रखा जाता है। ऐसे में जानिए इस साल किस दिन पड़ रहा है जीतिया व्रत और किस तरह की पूजा की जा सकती है। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर मंगलवार की दोपहर 23:34 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 25 सितंबर बुधवार की दोपहर 12:10 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के चलते 25 सितंबर बुधवार के दिन ही जीतिया व्रत रखा जाएगा। यह जीवित पुत्रिका व्रत संतान के लिए निर्जला रखा जाता है। व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। 25 सितंबर के दिन व्रत का लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 6:11 से सुबह 7:41 तक है। इसके पश्चात पूजा का अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:41 से 9:12 तक है। इन शुभ मुहूर्त में पूजा की जा सकती है। देखते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि। सुबह स्नान के पश्चात भगवान जीमूतवाहन का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। कूसा से बनी भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा के समक्ष धूप, दीप और चावल समेत पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही भगवान सूर्य नारायण की आरती की जाती है। विधि विधान से भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने के बाद जीतिया व्रत की कथा पढ़ी जाती है और आरती गाने के बाद भोग लगाकर पूजा का समापन होता है। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 25 सितंबर के दिन जीतिया व्रत रखा जाएगा। इस चलते अगले दिन 26 सितंबर गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सूर्योदय के बाद 6:12 पर होगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और क्या आप भी जीवित पुत्रिका या जीतिया का व्रत रखते हैं और आप किस राज्य से मेरा वीडियो देखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।